नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। तो सबसे पहला जो अपडेट है, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया वो हम देखने वाले हैं, तो इसको देख लेना। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो आपके आगामी एग्जाम्स को लेकर क्या अपडेट है, और इसके अलावा टीचर्स पोस्ट को लेकर कुछ अपडेट्स हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला अपडेट। तो सबसे पहला अपडेट UKPSC की तरफ से दिया गया है, और इस विज्ञप्ति में जो बताया गया है वो हम देख लेते हैं। यह है आपका उत्तराखंड सम्मिलित सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2021 के रिगार्डिंग। इसमें कहा क्या गया है वो मैं बता देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर बताया गया है कि सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2021 के संबंध में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में आयोजित रीट याचिका संख्या 355 पवित्रा चौहान व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य एवं रीट याचिका संख्या 492 अनन्या अत्री व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में पारित आदेश जो कि 24/8/2022 का है, रीट याचिका संख्या 444 कंचन डंगवाल बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में पारित आदेश 1/8/2022 का, तथा रीट याचिका संख्या 462 अजीत चौहान व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में पारित आदेश 5/8/2022 का। इसमें माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा याचिकागण को मुख्य परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने हेतु आदेश पारित किए गए हैं। तो ये उन सभी के लिए है जो ऑर्डर यहाँ पर आप देख सकते हैं, रोल नंबर दिया गया। माननीय उत्तराखंड न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के क्रम में निम्न अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत मुख्य परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किया गया है। तो देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। जितने भी यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं कैंडिडेट्स, इसको देख लेना आप। और इसमें पॉइंट नंबर 2 बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में याचिकागण अभ्यर्थियों को हरिद्वार देहरादून एवं हल्द्वानी नगर के विभिन्न केंद्रों में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के सापेक्ष आवेदन करने एवं मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने हेतु संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत हैं। जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं, एक तो आप इसको शेयर कर देना ताकि जो कैंडिडेट उनको जानकारी मिल जाए। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि आपको जो फी पेमेंट करना है वो 10 सितंबर 2022 से करना है आपका, और जो लास्ट डेट है वो 19 सितंबर 2022 तक है, ठीक है। और ये आपको ऑनलाइन तरीके से करना पड़ेगा। इसके अलावा उक्त अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने से पूर्व आयोग की वेबसाइट pcs.uk.gov.in पर प्रसारित विज्ञप्ति संख्या 5746E1DR PCS 2021 3 जून 2022 का अनुलोकन कर लें। तो जो आपका नोटिफिकेशन था इसको एक बार चेक कर लें, और जो विज्ञप्ति संख्या वो है 5746E1, ये ध्यान रखना। तो ये पूरा अपडेट है, प्लीज़ इसको शेयर कर देना ताकि जो भी कैंडिडेट उनको ये जानकारी मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं आपके अगले अपडेट की। सो नेक्स्ट अपडेट आपका जो है वो मैं बता देता हूँ, ये है आपके होने वाले आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो करप्शन के अंडर आए हैं, और बाकी के जो एग्ज़ाम रह गए हैं उन सभी की बात यहाँ पर की गई है, जिनका नोटिफिकेशन जारी किया गया था लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए गए थे। तो यहाँ पर जो जानकारी बताई गई है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 5 परीक्षाओं के लिए आयोजित हो चुकी लिखित परीक्षा, इसमें 65,000 से अधिक युवाओं को लगा झटका। यानी कि जो आपके फॉर्म भरे गए थे 5 परीक्षाओं में, कौन कौन से, मैं सबसे पहले वो बताता हूँ। एक तो ये चीज़ है कि यहाँ पर आपको दोबारा फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले वाले वीडियो में मतलब बताया था, उसमें भी यही बताया गया था कि जो फॉर्म फीस है आपको वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म भरना पड़ेगा लेकिन भरने पर जो फीस है वो नहीं देना पड़ेगा दोबारा से। एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से परीक्षाएँ हैं जो आयोग करवाएगा, लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो इसमें पहला है राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल का जो है आपका वो है, बंदी रक्षक का जो है, इसके अलावा पर्यावरण पर्यवेक्षक, इसके बारे में पूछ रहे थे कि लाइव स्टेशन का क्या होगा, तो ये भी आपका UKPSC करवाएगा जो कि एक अच्छी बात है यहाँ पर। इसके अलावा मानचित्रकार सर्वेयर के हो गया, वन आरक्षी, जूनियर इंजीनियर, अन्वेषक कम संगणक, पुलिस आरक्षी, PAC RB, अग्निशमन उप निरीक्षक पुलिस अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, कृषि पशुपालन उद्यान स्नातक, तो काफ़ी सारे ऐसे पोस्टें हैं जो आपका। इसके अलावा सहायक लेखाकार, ठीक है, व्यवस्थापक, व्यवस्थाधिकारी, राज्य संपत्ति अधिकारी, तो ये सारे जो एग्ज़ाम हैं आपके वो करवाएगा UKPCS। सो देखिए नेक्स्ट जो अपडेट है वो टीचर्स के रिगार्डिंग है, और इसमें मैं बता दूँ ये है आपका LT में समायोजित बेसिक शिक्षकों को राहत मिलेगी, ऐसा कहा गया है। तो बेसिकली इसमें कहा गया है वो समझते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि बेसिक से LT कैडर में आए हुए, ठीक है, बेसिक से LT कैडर में आए शिक्षकों को चयन और प्रोन्नत वेतनमान में पूर्व की सेवा का लाभ मिलेगा। यानी कि जो आपने पहले सर्विस दी है शिक्षक के रूप में उसका आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। सरकार के निर्देश पर शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने मंडलीय अपर निदेशकों को पात्रों के मामले निस्तारित करने को कहा है। इसके अलावा
महानिदेशक ने में दो दिन उच्च महानिदेशालय में दो दिन उच्च स्तरीय बैठक में इसे लेकर सहमति बन गई है। इस बात को लेकर प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश पर कुछ शिक्षकों को चयन प्रोन्नत वेतनमान की गणना में बेसिक की सेवा का लाभ मिल चुका है। इसके बाद कोर्ट केस की लगातार बढ़ती संख्या देखते हुए शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने महानिदेशक की अध्यक्षता में कमेटी बनाते हुए सभी मामलों के निस्तारण के आदेश दिए। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर के कुंवर ने बताया कि बेसिक शिक्षक जिला कैडर से होते हैं, ठीक है, यानी कि जो जिला कैडर है वहाँ से होते हैं और LT में चयन पर उनका कैडर मंडलीय हो जाता है। इसीलिए पूर्व की सेवा की मांग करने वाले शिक्षक की सेवा अवधि, समायोजन आदि का सत्यापन करना होगा, उसी के अनुसार निर्णय होगा। उन्होंने कहा कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी मामलों पर निर्णय लेने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो कुल मिला के ये अपडेट है कि जो LT में समायोजित बेसिक शिक्षक हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में। तो ये अपडेट है यहाँ पर किस में मिलेगा, एक तो आपका जो चयन है, इसके अलावा जो प्रोन्नत यानी प्रमोशन है उसमें आपको मिलेगा। इसके बाद अगला जो अपडेट है वो जल्दी से हम देख लेते हैं। देखिए ये चीज़ मैंने कल बताया था कि प्रधानाचार्य के पदों पर 50% जो पोस्ट हैं वो विभागीय परीक्षा से भरे जाएंगे। इसको लेकर जो LT शिक्षक है उनको यहाँ पर कह सकते हैं एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है इसमें, और वो क्या है देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया कि प्राधानाचार्य भर्ती में मौका न दिए जाने से LT शिक्षक नाराज हैं। यहाँ पर बताया गया है कि प्राधानाचार्यों की रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में केवल हेडमास्टर और प्रवक्ता को ही मौका दिया जाएगा। ऐसा कल के अपडेट में आपने देखा होगा, जो 50% आपका जो सीधी भर्ती या फिर विभागीय भर्ती है, ठीक है, उसके अंतर्गत, और LT के अदर शिक्षकों ने सरकार के फैसले पर नाराज़गी जाहिर की है। कुल मिला के अपडेट यही है कि इसमें 55% और 45% के अनुपात के साथ LT और प्रवक्ता का चयन किया जाता है। प्रधानाचार्य के पदों पर केवल हेडमास्टर और प्रवक्ता को मौका दिया जाना सरासर गलत है, ऐसा LT कैंडिडेट्स का मानना है। इसके बारे में आपका कहना है कमेंट करके आप बता सकते हैं। कुल मिला के यही अपडेट है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये है कि जो आपके सहकारी बैंक थे उसमें नोटिफिकेशन निकला था और उसमें जो बड़ी गड़बड़ी या फिर करप्शन की बात यहाँ पर सामने आई है, ठीक है, तो क्या कहा गया इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़ में हुई भर्ती की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। जांच में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई है। बैंक प्रबंधन ने भर्ती प्रक्रिया में अपने स्तर पर ही बदलाव कर दिया, यानी कि खुद के लेवल पर जो बैंक डिपार्टमेंट है, आपका पूरा मैनेजमेंट है बैंक का, वहाँ पर उन्होंने इसमें चेंज कर दिया। इसके साथ ही प्रमाण पत्रों में भी गड़बड़ी पाई गई है। जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती हुई थी और इसको काफ़ी टाइम हो गया, इसके नोटिफिकेशन को, काफ़ी लोगों ने इसमें अप्लाई किया था, इसके फीस भी काफ़ी हाई थे। ग्रुप डी का एग्जाम नोटिफिकेशन था, फिर भी इसमें फ़ीस थी हाई, तो फिर भी काफ़ी कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई किया था और आज भी इसको लेकर क्वेरीज रहती हैं। तो यहीं पर ये पूरा मामला सामने आया है कि जो भर्ती है उसमें करप्शन या फिर गड़बड़ी की बात देखी जा रही है। इसके अलावा देहरादून, US नगर और पिथौरागढ़ DCB ने रिजल्ट भी जारी कर दिया था। इन भर्तियों में गड़बड़ी की शिकायतों पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने अन्य सभी बैंकों का रिजल्ट जारी न करने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही जिन बैंकों ने रिजल्ट जारी कर दिया था वहाँ ज्वाइनिंग न कराने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद भी बैंक प्रबंधन ने मनमानी करते हुए ज्वाइनिंग करा दी थी और इन तमाम गड़बड़ियों पर अपर निबंधक नीरज वेलवाल की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई गई है। तो कुल मिला के इसमें भी अब करप्शन की बात की जा रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, मे बी आने वाले समय में आपको देखने को मिले कि ये जो पेपर्स हैं या फिर ये जो रिज़ल्ट हैं वो यहाँ पर कैंसिल कर दिए जाएँ और दोबारा से आपको यहाँ पर मौका दिया जाए, लेकिन इसमें आपसे फ़ीस नहीं ली जानी चाहिए जो पहले आपने अप्लाई किया है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। तो ये है एक अपडेट, तो बस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।